हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है श्री क्लासेस दीवा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के कुछ ट्रिक्स। ये ट्रिक्स यूज़ करने के बाद आप आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। हमारे जो बच्चे होते हैं, बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो बेसिक ऑपरेशन है मैथ्स के, ये करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो उसी का एक छोटा सा सॉल्यूशन मैंने ये ट्रिक्स के जरिए लाया है। अगर आप लोगों ने मेरे इसके पहले के एडिशन या तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के वीडियो देखे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी है, वहाँ पे जाके आप लोग वो वीडियो देख सकते। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोई भी इवन नंबर को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके पीछे क्या ट्रिक्स होगी। कोई भी इवन नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। उसके पहले, इस चैनल पे कोई नया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। नाउ लेट्स स्टार्ट और मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन नंबर है, हमें ये आसानी से ये ट्रिक यूज़ करके इसका आंसर निकालना है। अभी इसमें कंडीशन क्या है, ये जो मेरा इवन नंबर है उस इवन नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे भी देखें, इवन नंबर है, इवन नंबर को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कंडीशन में हम लोग ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, यहाँ पे मुझे वैसे देखा जाए तो 6 और 8 का आंसर पता है, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा, 48। मगर हम लोग ये ट्रिक यूज़ करने के बाद इसका आंसर कैसे आता है वो देखेंगे। देखिए ये मेरा 8 है, 8 एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद मुझे ये जो 8 नंबर है उसको हाफ करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है, तो हो गया मेरा 4। तो आंसर इज़ 48, 8 6 48। ये टेबल मुझे पता था, आंसर छोटा था, मैंने निकाला। मगर ये ट्रिक हमें ये जो बड़े बड़े नंबर है उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते समय यूज़ होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड एग्जाम्पल, 4 6 24, वैसे मुझे पता है, मगर ये ट्रिक यूज़ करके हम लोग उसका आंसर निकालेंगे। कैसे, देखिए ये मेरा 4 है, ये 4 मैंने एज इट इज़ लिखा है, मुझे 4 को अभी हाफ करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 4 का हाफ हो गया 2, सो योर आंसर इज़ 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 और 6 का मुझे मल्टीप्लाई करना है, इसका भी आंसर पता है, 14 का हमें टेबल पता है, मगर हम लोग ये ट्रिक यूज़ करके उसका आंसर निकालेंगे। क्या करना है, 4 यूनिट प्लेस में है, एज इट इज़ लिखो, उसके बाद 14 का हाफ करो, तो 14 का हाफ होता है मेरा 7। उसके बाद 7 लिखने के बाद जो 10 प्लेस में नंबर है उसको ऐड करो। यहाँ पे देखो 10 प्लेस में कुछ भी नहीं था, इसलिए डायरेक्ट हाफ करने के बाद लिखा था, मगर यहाँ पे 10 प्लेस पे 1 है, तो हाफ करने के बाद जो 10 प्लेस पे नंबर होगा वो मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पे 1 है तो 7 में 1 ऐड करो, तो हो गया 8, सो योर आंसर इज़ 84। नेक्स्ट देखेंगे, 52 मल्टीप्लाई बाय 6। अभी ये जो बड़े बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन है उस समय हम लोग ये ट्रिक यूज़ कर सकते। देखो यहाँ पे 52 मल्टीप्लाई बाय 6, यूनिट प्लेस में मेरा 2 है, एज इट इज़ लिखो, उसके बाद 52 को हाफ करो, तो 52 का हाफ होता है 26। 26 में मुझे ये जो 10 प्लेस है 5 वो ऐड करना है, तो 26 प्लस 5 करोगे तो आंसर इज 31, सो योर आंसर इज 312। नेक्स्ट देखेंगे, 94 मल्टीप्लाई बाय 6, सेम प्रोसेस है, मुझे यूनिट प्लेस वाला नंबर एज इट इज़ लिखना है 4, 94 का हाफ करना है, सो 94 का हाफ करोगे तो 47। 47 में मुझे 10 प्लेस वाला नंबर ऐड करना है, यानी 9, सो 47 प्लस 9 इज इक्वल टू 56, तो यहाँ पे लिखेंगे 56, योर आंसर इज़ 564। नेक्स्ट देखो, ये बड़े बड़े नंबर हैं, ये नंबर में मल्टीप्लाई करते समय ये ट्रिक्स काफ़ी यूज़फुल आपको लगने वाली है। देखो अभी ये 2 है, एज इट इज़ लिखो, मेरा 82 नंबर है, 82 का हाफ करो, 82 का हाफ होता है 41। 41 में मुझे क्या करना है, ये 10 प्लेस ऐड करना है, तो 41 प्लस 8 इज इक्वल टू 49, सो योर आंसर इज़ 492। नेक्स्ट देखो, 66 मल्टीप्लाई बाय 6, यूनिट प्लेस 6 है, एज इट इज़ लिखो, 66 का हाफ 33,
33 में मुझे ऐड करना है 6, 33 प्लस 6 इज इक्वल टू 39, सो योर आंसर इज 396। नेक्स्ट करेंगे 42 मल्टीप्लाई बाय 6, यूनिट प्लेस एज इट इज लिखो, 2 आ गया, 42 का हाफ करो 21 आ गया, 21 में 10 प्लेस यानी 4 ऐड करो 25 आ गया, सो योर आंसर इज 252। नेक्स्ट करेंगे 36 का यूनिट प्लेस 6 लिखा, 36 का हाफ करोगे तो 18 आएगा, 18 में 3 ऐड करोगे तो 21 आएगा, सो आंसर इज 21 यानी 216। नेक्स्ट देखो 24 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 एज इट इज़ लिखो, 24 का हाफ करोगे तो 12 आ गया, 12 में 10 प्लेस यानी 2 ऐड करोगे तो हो गया 14, सो आंसर इज 114। आई होप ये जो मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक था आपको समझ में आया होगा। इसके लिए एक ही कंडीशन है, ये जो नंबर होगा वो इवन नंबर होगा और इवन नंबर को हम लोग को 6 से मल्टीप्लाई करना है, उस समय ये ट्रिक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यूनिट प्लेस एज इट इज़ लिखो, नंबर को हाफ करो, अगर 10 प्लेस में नंबर है तो उसमें ऐड करके लिखो, आंसर आ गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन दबाओ ताकि जो नए नए वीडियो हो आपको फटाफट मिलेंगे। धन्यवाद।